प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग के अंग कौन कौन से हैं। पांच प्रमुख अंगों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद अंगों के बाद हमारा विषय आया था कि रिमोट सेंसिंग की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, या प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, या उसकी स्टेजेस कौन कौन सी है। बात अवस्था कहिए, प्रक्रिया कहिए, स्टेजेस कहिए, एक ही बात है। इसमें हमने चर्चा कर ली थी कि रिमोट सेंसिंग में जो पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था प्रकाश का सूर्य से या संवेदक से ऊर्जा के स्रोत का निकलना। दूसरी अवस्था उस ऊर्जा के स्रोत का वायुमंडल के साथ इंटरेक्शन। तीसरी अवस्था जो हमने चर्चा की थी, इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद ऑब्जेक्ट, यानी जो ईएमआर आई है वायुमंडल क्रॉस करके उसकी ऑब्जेक्ट के साथ क्या इंटरेक्शन हुई। और चौथी जो हमने चर्चा की थी कि जब इंटरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट के साथ, चौथी अवस्था में किस प्रकार वो हमारी ईएमआर है संवेदक के पास वापस लौटती है। अब हम पांचवी अवस्था है, पांचवी स्टेज है, उसकी चर्चा करेंगे। और पांचवी स्टेज है रिकॉर्डिंग ऑफ ईएमआर बाय सेंसर, ईएमआर का सेंसर द्वारा अभिलेखन। इस अवस्था में जो हमारे सेंसर लगे हैं, सेंसर कहाँ लगे हैं? हमारे या तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है वहां सेंसर लगे हैं, या वायुमंडल में जो एयरक्राफ्ट है वहां पर सेंसर लगे हुए हैं। तो जो ऑब्जेक्ट से टकराकर ऊर्जा वायुमंडल के माध्यम से वापस चली जाती है, वो वापस जाएगी वायुमंडलीय प्लेटफार्म के पास या अंतरिक्षीय प्लेटफार्म के पास, और वहां जाकर ये रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये ईएमआर एटमॉस्फेरिक प्लेटफार्म के पास पहुंचती है, यानी ये कहिए कि वायुमंडलीय प्लेटफार्म क्या है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में क्या लगे हैं, संवेदक, संवेदक के पास पहुंचती है, तो आमतौर पर वहां ये जो ईएमआर है फोटोग्राफिकली सेंस्ड होती है, फोटोग्राफिक फिल्म पर इसको इसका अंकन होता है। और ऐसी स्थिति में अक्सर जो आपके एरियल फोटोग्राफ्स हैं, वायु फोटोग्राफ्स हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। और जब ये एनर्जी, जब ये ईएमआर स्पेस में पहुंचती है, स्पेस में क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट के पास पहुंचती है, तो वहां पर इस एनर्जी का रिकॉर्ड डिजिटली होता है। कुछ संवेदक ऐसे होते हैं जो इस ईएमआर को डिजिटल एनर्जी, डिजिटल रूप में चेंज कर देते हैं। और डिजिटल रूप में जब ये एनर्जी चेंज होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी अक्सर डिजिटल इमेजेस का निर्माण होता है। यानी इस पॉइंट में जो मूल मामला है, मूल मामला ये है कि हिंदी में सुने इस पॉइंट को, सेंसर द्वारा या संवेदक द्वारा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अभिलेखन। इससे पहले पॉइंट में क्या चर्चा थी, इससे पहले पॉइंट में चर्चा थी कि ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी पहुंच गई, पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा। इससे पहले पॉइंट की चर्चा, चौथे पॉइंट की, उसमें तीन एस्पेक्ट बताए थे। एक एस्पेक्ट बताया था या तो ऑब्जेक्ट उसका शोषण कर लेगा, दूसरा एस्पेक्ट बताया था या ऑब्जेक्ट उसका ट्रांसमिशन कर देगा, तीसरा बताया था कि या वो ऑब्जेक्ट उसका परावर्तन कर देगा। और जब ये परावर्तित ऊर्जा वायुमंडल को क्रॉस करके डस्ट पार्टिकल से बचते हुए, जलवाष्प से बचती हुई, अन्य जो बाधाएं हैं उनको क्रॉस करती हुई वायुमंडलीय या अंतरिक्षीय प्लेटफार्म के पास पहुंचती है, तो वहां पर इसका संवेदन कर लिया जाता है। चित्र में दिखाया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्वत दिखाए गए हैं, उधर भवन दिखाए गए हैं, जंगल दिखाए गए हैं, और ये एनर्जी जाती ही दिखाई गई है। वायुमंडल में हवाई जहाज दिखाया गया, आगे ऊपर स्पेस है उसमें अंतरिक्ष प्लेटफार्म दिखाया गया है। तीर का निशान क्या दिखा रहा है, यहाँ जो एनर्जी आई थी वो परावर्तित होकर या तो अंतरिक्षीय प्लेटफार्म के पास पहुंची या वायुमंडलीय प्लेटफार्म के पास पहुंची, और वहां पहुंचकर वायुमंडलीय प्लेटफार्म में या अंतरिक्षीय प्लेटफार्म में जो संवेदक लगे हैं वहां वो एनर्जी रिकॉर्ड हो जाती है।
अब जैसा कि बताया जा चुका है पहले भी कई बार, जो वायुमंडलीय प्लेटफार्म है उसमें कौन काम करते हैं? उसमें काम करते हैं हवाई जहाज, आपके एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के ऊपर संवेदक लगा होता है या एयरक्राफ्ट में फिटेड होता है। और अक्सर आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट में संवेदन का काम होता है वो फोटोग्राफिकली होता है, फोटोग्राफिक फिल्म पर एनर्जी का अंकन होता है या अभिलेखन होता है। तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर फोटोग्राफ्स का, या जिनको पूर्ण रूप से कहिए एरियल फोटोग्राफ्स का जन्म होता है या एरियल फोटोग्राफ्स का निर्माण होता है। दूसरा है सैटेलाइट्स के पास पहुंचेगी, सैटेलाइट्स कहाँ? स्पेस में है, तो वहां पर ये एनर्जी डिजिटली रिकॉर्ड होती है। और ऐसी स्थिति में जब एनर्जी डिजिटली रिकॉर्ड होती है उस स्थिति में आपकी जो फोटोग्राफिक इमेजेस बनती हैं। छठा चरण है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा ऑन जीआरएस। एनर्जी रिकॉर्ड हो गई, कहाँ रिकॉर्ड हो गई? या तो अंतरिक्षीय प्लेटफार्म पर रिकॉर्ड हो गई या वायुमंडलीय प्लेटफार्म पर रिकॉर्ड हो गई। एनर्जी रिकॉर्ड होने के बाद कोई औचित्य नहीं है कि वहां वहीं पर वो एनर्जी रहे, वहीं पर वो डेटा रहे जो रिकॉर्ड हुआ है धरती का, जो रिकॉर्ड हुआ ऑब्जेक्ट का। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, वो जो रिकॉर्डेड एनर्जी है चाहे वो वायुमंडलीय प्लेटफार्म पर है चाहे वो अंतरिक्ष प्लेटफार्म पर है, उस रिकॉर्डेड एनर्जी को ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर भेजना पड़ता है। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा ऑन जीआरएस, यहां यही तो पॉइंट है कि जो आपका डेटा संवेदक के पास है उसका संचरण तथा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर उसकी प्राप्ति, यानी जमीन पर जो प्रयोगशाला है, जमीन पर जो सेंटर बनाया है डेटा कलेक्शन का, वहां पर उसका प्राप्त होना। सीधी सी बात है, संवेदक पर एनर्जी रिकॉर्ड हो गई, संवेदक क्या करेगा? संवेदक का तो कोई काम नहीं है उसका रखने का। वो जो डेटा संवेदक पर अंकित हुआ है, और संवेदक कहाँ है? या तो एटमोस्फियर में है या स्पेस में है। एटमोस्फियर में कौन है? एयरक्राफ्ट है आपके। स्पेस में कौन से प्लेटफार्म है? आपके सैटेलाइट्स है। तो एनर्जी जब रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे वो एटमोस्फेरिक प्लेटफार्म पर रिकॉर्ड हो या स्पेस में स्थित प्लेटफार्म पर रिकॉर्ड हो, अल्टीमेटली उस एनर्जी को या उस डेटा को जो एनर्जी के रूप में होता है उसको ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर भेजना पड़ता है। और इसको भेजने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, अक्सर जो पहला तरीका तो है एटमोस्फेरिक प्लेटफार्म कैसे भेजेगा, दूसरा है कि जो स्पेस में प्लेटफार्म है वो कैसे भेजेगा। एटमोस्फेयर में प्लेटफार्म कौन से हैं? एयरक्राफ्ट आपके। तो एयरक्राफ्ट अपना काम पूरा कर लेगा, जब धरती पर उतर जाएगा वहां से वो डेटा ले लिया जाएगा, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड है करेक्शन करके जो भी यूजर उसके पास भेज दिया जाएगा, प्रयोगशाला में या उसको लाइब्रेरी में एकत्रित कर लिया जाएगा। दूसरा तरीका है जो स्पेस में प्लेटफार्म है, जो सैटेलाइट्स हैं, तो सैटेलाइट्स से इस प्रकार डेटा का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सैटेलाइट से डेटा का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सैटेलाइट का एक अपना लाइफ होता है, एक जीवन होता है। ये नहीं है कि 2 दिन बाद कि सैटेलाइट को हम नीचे उतार लेते हैं फिर हम भेज देंगे। सैटेलाइट को वापस भेजना बड़ा कठिन काम है, एक बार ही कक्षा में स्थापित करने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। तो जो सैटेलाइट्स के पास डेटा एकत्रित हुआ है एनर्जी के रूप में, डिजिटली एकत्रित हुआ है, उसको धरती पर, उसको ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर डिजिटली ट्रांसमिट किया जाता है। उसको डिजिटली ट्रांसमिट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है यदि सैटेलाइट और ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन एक ही सीध में है, यानी लाइन ऑफ साइट एक ही है, तो सीधे सैटेलाइट से जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। लिखा है पॉइंट नंबर 1, आगे साइड में दूसरा चित्र है जहां 2 लिखा है। यदि ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन, मान लीजिए आपका सैटेलाइट ए है, ए सैटेलाइट की सीध में नहीं है, लाइन ऑफ साइट में नहीं है, तो परंतु ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन है, बी सैटेलाइट की लाइन ऑफ साइट में है, तो ऐसी स्थिति में पहला
पहले जो आपका डेटा है ए से बी सैटेलाइट पर ट्रांसमिट किया जाएगा और फिर बी सैटेलाइट से ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर ट्रांसमिट किया जाएगा। तीसरे, यदि ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन दिखाई दे रहा है आपको चित्र में वे थ्री लिखा है जिसमें, तीसरे अगर ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन कहीं और ही स्थित है, बहुत दूर है और काफी ओझल है ए की दृष्टि से, ए जो सैटेलाइट है उससे काफी दूर है, तो ऐसी स्थिति में एक सैटेलाइट्स का एक पाथ बनाया जाएगा जैसा कि इसमें दिखाया है ए बी सी डी ई, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन ई सैटेलाइट की सीध में है, तो एक ट्रांसमिशन का पाथ बना दिया गया। एनर्जी जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, ए से बी सैटेलाइट को ट्रांसमिट होगा, बी से सी सैटेलाइट को ट्रांसमिट होगा, सी से डी सैटेलाइट को ट्रांसमिट होगा, डी से ई सैटेलाइट को ट्रांसमिट होगा और अंततः ई सैटेलाइट उसको ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर ट्रांसमिट करेगा। इस पॉइंट में सीधी सी बात है कि जो एनर्जी सेंसर पर अभिलेखित हो जाती है उस एनर्जी को, उस डेटा को अल्टीमेटली ग्राउंड पर भेजना पड़ता है जिसे हम ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन कहते हैं। एनर्जी कहाँ रिकॉर्ड हुई है, एनर्जी रिकॉर्ड हुई है एटमॉस्फेरिक प्लेटफार्म पर या फिर स्पेस प्लेटफार्म पर। जब एनर्जी एटमॉस्फेरिक प्लेटफार्म पर रिकॉर्ड होती है ऐसी स्थिति में ये आमतौर पर एयरक्राफ्ट में जो संवेदक लगे होते हैं वहां पर रिकॉर्ड होती है, और जब एयरक्राफ्ट अपना कार्य पूरा कर लेता है, कार्य पूरा करने के बाद जब वो भूमि पर धरती पर उतरता है वहां से डेटा ले लिया जाता है और उसमें जो भी आवश्यक संशोधन है वो करने के बाद उसको लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया जाता है या यूजर के पास भेज दिया जाता है। दूसरा प्लेटफॉर्म कहाँ था आपका, स्पेस में था। संवेदक कहाँ लगे थे, सैटेलाइट पर लगे थे। तो सैटेलाइट से तीन तरीके हैं डेटा को भेजने के। यहां जो डेटा है डिजिटली ट्रांसमिट किया जाता है। डिजिटली ट्रांसमिट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सैटेलाइट की है अपनी एक लाइफ होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल हो सकती है, वो अपनी लाइफ पूरी होने के पश्चात ही धरती पर उतर सकता है। ये नहीं है कि 2 दिन बाद धरती पर उतार लिया, 3 दिन बाद उतार लिया फिर भेज दिया, काफी मुश्किल कार्य होता है। तो तीन तरीके से डेटा ट्रांसमिट होगा उसमें। तीन तरीके कौन से हैं, यदि सैटेलाइट और ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन एक लाइन में है, लाइन ऑफ साइट में है, तो सीधा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। यदि ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन बी सैटेलाइट की सीध में है तो ऐसी स्थिति में पहले डेटा का ट्रांसमिशन ए से बी सैटेलाइट पर होगा और फिर बी सैटेलाइट से ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर होगा। तीसरी स्थिति है जब आपका ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन काफी परे, काफी दूर, काफी ओझल दृष्टि हो ए सैटेलाइट से ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन की, तो ऐसी स्थिति में सैटेलाइट का एक ट्रैकिंग पाथ बनाया जाता है, डेटा ट्रांसमिट करने का एक ट्रैकिंग पाथ बनाया जाता है जैसा कि यहाँ चित्र 3 में दिखाया गया है। वे 3 लिखा है इसमें, ए से बी पर डेटा ट्रांसमिट होगा, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, और आपका ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन ई जो सैटेलाइट है उसकी सीध में है, उसके लाइन ऑफ साइट में है, तो ई सैटेलाइट से अंततः जो ट्रांसफर होगा डेटा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा का प्रक्रमण। ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर डेटा आ गया, आने के बाद उसमें जो खामियां हैं वो दूर की जाती है। खामियां होती है काफी, भाई ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर डेटा आ गया, उसको ये भी कह सकते हैं कच्चा डेटा है, रा फॉर्म में। जब रा फॉर्म में डेटा होता है उसमें काफी कमियां होती हैं, खामियां होती हैं। इन खामियां दूर करने की प्रक्रिया कहा जाता है इमेज रेस्टोरेशन या इमेज कोरेक्शन या प्री प्रोसेसिंग। दो तरह की उसमें खामियां दूर की जाती हैं, एक ज्योमेट्री कोरेक्शन की जाती है उसमें, एक रेडियोमेट्री कोरेक्शन की जाती है। ज्योमेट्रिक और रेडियोमेट्रिक कोरेक्शन करने के बाद इस डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में चेंज किया जाता है
और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में चेंज करने के बाद इसको स्टोर किया जाता है। और स्टोरेज मीडियम क्या हो सकते हैं आपके, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकती है। वहां स्टोरेज मीडियम में स्टोर करने के पश्चात इसको लाइब्रेरी में फर्दर स्टोर के लिए या किसी संस्थान में स्टोर के लिए भेज दिया जाता है। ये पॉइंट हमारा जो है इसमें डेटा का प्रोसेसिंग है। सीधी सी बात है, जो डेटा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर प्राप्त हुआ है वो उसको हम कच्चा डेटा कहते हैं। वो रा फॉर्मेट में होता है, रा फॉर्म में होता है, उसमें कुछ खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है। और इन कमियों के दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है इमेज रेस्टोरेशन, या इमेज कोरेक्शन कहिए, या प्री प्रोसेसिंग कहिए। इस दौरान दो खामियां दूर की जाती हैं, दो कोरेक्शन की जाती हैं, एक ज्योमेट्रिक कोरेक्शन की जाती है, दूसरी रेडियोमेट्रिक कोरेक्शन की जाती है। इन कोरेक्शन करने के बाद इस डेटा को स्टैंडर्डाइज इमेज फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। और स्टैंडर्डाइज इमेज फॉर्मेट में चेंज करने के पश्चात इसको स्टोरेज मीडियम में डाला जाता है। स्टोरेज मीडियम क्या हो सकते हैं आपके, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है। इनमें डालने के बाद ये आगे जो भविष्य में जो भी साइंटिस्ट इनको यूज करेंगे या जो भी रिसर्चर यूज करेंगे उनके प्रयोग हेतु लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का व्याख्या और विश्लेषण। लाइब्रेरी में डेटा रखा हुआ है, रिमोट सेंसिंग से प्राप्त जो डेटा है लाइब्रेरी में रखा है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, रखे रखेगी, रखा रहो क्या उपयोगिता है, इतना काम भी किया, इतने पैसे भी लगाए, सारा का सारा काम किया और लाइब्रेरी में रख दिया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। यूटिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कौन करेगा, रिसर्चर करेंगे या उस फील्ड के जो साइंटिस्ट है वो करेंगे। डेटा लाइब्रेरी में रखा है, कोई यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, व्याख्या विश्लेषण करनी पड़ेगी। कौन करेगा, इस फील्ड से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं या जो रिसर्चर हैं वो करेंगे। और इसमें विश्लेषण की और व्याख्या की दो तकनीकें हैं, एक है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, दूसरा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, ये अब याद कीजिए, आपको दो प्लेटफार्म बताए थे, एक हवाई जहाज दूसरा उपग्रह। हवाई जहाज से हमें इमेज मिलती हैं, फोटोग्राफिक इमेज मिलती हैं, और डिजिटल इमेज, डिजिटल डिजिटल वाला डाटा कहाँ से आया, उपग्रह से। तो इस आधार पर, प्लेटफार्म के आधार पर ये दो ही तकनीकें हैं। प्लेटफार्म पर यानी पहले प्लेटफार्म पर ऑलमोस्ट डाटा कहाँ रिकॉर्ड होता है, जो आपकी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, और जो फोटोग्राफिक जो कही टेप कही उस पर रिकॉर्ड होता है। तो पहली तकनीक विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन आपने प्रैक्टिकल में की होगी, मोना मैडम ने बताया भी होगा, आपने जो एरियल फोटोग्राफ देखे होंगे वो विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन है। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ये पहले टॉपिक आ चुका है, मेरा ख्याल पहली इकाई में शायद आया हो, उसमें वाई फोटोग्राफों की व्याख्या के 8-9 आधार बताए थे, वही आधार आप यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें आकार है, आकृति है, अभाएं, प्रतिरूप, गठन, परछाई, अवस्थिति, गमन मार्ग, संबंध, ये सारे के सारे पढ़ाए जा चुके हैं कि कैसे हम विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन करते हैं। दूसरा है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आपने की नहीं है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम जो डिजिटल इमेजरीज हैं उनको उनको हम व्याख्या और विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कोई यूटिलिटी नहीं जब तक हम लाइब्रेरी में स्टोर्ड जो आपके पास डेटा है उसका इंटरप्रिटेशन, उसका विश्लेषण या व्याख्या ना कर दें, तभी इसकी उपयोगिता साबित होगी। और व्याख्या विश्लेषण करने की दो तकनीकें बताई,
एक तकनीक विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन जो आपने एरियल फोटोग्राफ में की थी, मोना मैडम ने करवाई होगी और ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया था आप लोगों को, जिसमें 9 बताए थे आधार वायु फोटोग्राफों के निर्वचन के, आकार आकृति आभाएं प्रतिरूप गठन परछाई अवस्थिति गमन मार्ग संबंध, और दूसरा जो बताया गया है दूसरे में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डिजिटल इमेज का विश्लेषण और व्याख्या कर सकते हैं। लास्ट में है एप्लीकेशन, यानी जो भी आपने आंकड़ा इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस कर लिया, उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, फिर उस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद व्याख्या और विश्लेषण के बाद हम उन आंकड़ों को मानव भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं। कुछ मुख्य आस्पेक्ट मानव भलाई के क्या है, मैपिंग ऑफ फिजिकल फीचर्स, धरातल पर जो भौतिक तत्व पाए जाते हैं उनका मानचित्रण करना, दूसरा धरातल पर सांस्कृतिक तत्व जो पाए जाते हैं उनका मानचित्र करना, धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों का मानचित्रण करना, और जो आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया है, डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसमें फ्लड हो सकता है, ड्रोट हो सकता है, या कोई बीमारी हो सकती है, या खेतों को लगे कोई कीट पतंगे हो सकते हैं, यानी जो भी समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनकी मैपिंग करने में भी हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट में जो भी हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं उनको ड्रा करने में, उनका एक आइडिया फ्रेम करने भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपका टॉपिक, और एक बार फिर मैं पुनः जल्दी से 5 मिनट में इस टॉपिक को रिवाइज करवा देता हूँ। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने रिमोट सेंसिंग की परिभाषा पढ़ी, सुदूर संवेदन की परिभाषा पढ़ी। सुदूर संवेदन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुदूर बहुत दूर से ही संवेदन जान लेना या पता लगा लेना, यानी जब हम बहुत दूर से ही किसी वस्तु के बारे में जान लें, उसका पता लगा लें, उसके गुण धर्मों के बारे में जान लें, तो वो सुदूर संवेदन होता है। हमारी आंखें हैं, ये सुदूर संवेदन का काम करती है। आप जो भी आपके इर्द गिर्द दृश्य देखते हैं क्या उसको आप स्पर्श करते हैं? नहीं, परंतु आपकी आंखें दूर से ही देखकर ये बता सकती हैं कि ये क्या है और इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है। यानी सुदूर संवेदन का सीधा सा अर्थ ये है कि किसी वस्तु को बिना छुए दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसके बारे में जो भौतिक आंकड़े हैं उनको प्राप्त कर लेना। एक विद्वान हुए लिंट्स एंड सिमोंट, उसने कहा है फ्लाइड्स एफ साबिन्स, उसने ये कहा है कि सुदूर संवेदन से अभिप्राय हमारा उन विधियों से है जिसमें लक्ष्यों को पहचानने और उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लक्ष्य जिस ऑब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, खेत का अध्ययन करें तो खेत लक्ष्य है, कॉलेज का अध्ययन करें कॉलेज लक्ष्य है, गांव का अध्ययन करें तो गांव लक्ष्य है। लक्षण क्या है, यानी उस गांव की विशेषताएं क्या है, कितने मकान है, कितने खेत है, ये लक्षण है। यानी जब हम लक्ष्यों को पहचानने और उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं तब हम ये कहलाएगी रिमोट सेंसिंग। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अनेक रूप हैं, आगे डिटेल से आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें गामा रे, एक्सरे, पैरा बैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, लघु तरंगे, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप हैं। सुदूर संवेदन के आगे अंग बताए गए थे, अंगों में पहला अंग बताया गया था ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत के बिना काम नहीं चलेगा, ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जो सौर ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है, पार्थिव होने वाली ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है, और जो संवेदक प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसे हम निष्क्रिय प्रणाली वाले संवेदक कहते हैं। कृत्रिम ऊर्जा जो मानव ने उत्पन्न किया वो कृत्रिम ऊर्जा है, और जो संवेदक कृत्रिम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसे हम सक्रिय प्रणाली वाले संवेदक कहते हैं। आगे है प्लेटफार्म, प्लेटफार्म भी होना जरूरी है,
इसके लिए सुदूर संवेदन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लेटफार्म नहीं होगा तो संवेदक कहाँ फिट करेंगे, कहाँ लगाएंगे? तो प्लेटफार्म दो हो सकते हैं, वायुमंडल में एयरक्राफ्ट हो सकता है और अंतरिक्ष में सैटेलाइट हो सकता है। इसके बाद है सेंसर। सेंसर भी महत्वपूर्ण अंग है, सेंसर के बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंसर ही तो EMR को डिटेक्ट करते हैं, सेंसर ही तो EMR को कलेक्ट करते हैं। यानी सेंसर क्या काम करते हैं, EMR को डिटेक्ट करना और उसको कलेक्ट करना। आगे प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में सारा का सारा डाटा को हैंडलिंग का काम होता है, और प्रोसेसिंग वो फोटोग्राफ का भी हो सकता है, डिजिटल इमेजरी का भी हो सकता है, उसकी व्याख्या विश्लेषण सारे के सारे प्रोसेसिंग के अंग हैं। आगे है ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा अंग है ये ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की बहुत बड़ी जरूरत होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, जब तक लोग ही नहीं होंगे काम पूरा कैसे होगा। सारे के सारे जो स्टेज हैं रिमोट सेंसिंग के, उन सारे के सारे स्टेज को संपादित करने के लिए, सारा का सारा काम करने के लिए बहुत सारे आदमी चाहिए या संस्थाएं चाहिए। वो संस्था नेशनल लेवल की हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल की हो सकती है, कोई रिसर्च सेंटर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। यानी यूजर्स या पहले पीपल के बिना काम नहीं चलेगा। तो अंग थे रिमोट सेंसिंग के। आगे हैं अवस्थाएं। पहली अवस्था है ऊर्जा के स्रोत का होना। ऊर्जा के स्रोत का होना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक ऊर्जा ही नहीं होगी, ऑब्जेक्ट कैसे एल्यूमिनेट होगा, ऑब्जेक्ट कैसे प्रकाशित होगा? यदि ऑब्जेक्ट ही प्रकाशित नहीं हुआ तो रिमोट सेंसिंग नहीं हो सकता। यानी रिमोट सेंसिंग के लिए ऑब्जेक्ट का प्रकाशित होना जरूरी है। आगे बताया गया था ऊर्जा के दो रूप हैं, प्राकृतिक है और कृत्रिम है। प्राकृतिक में सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण प्राकृतिक है, ये निष्क्रिय प्रणाली, अभी बताया था मैंने। कृत्रिम या मानवकृत ये सक्रिय प्रणाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि संवेदकों में कृत्रिम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो प्राकृतिक ऊर्जा हर समय समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। रात को सौर ऊर्जा कुछ अलग होती है, दिन में कुछ और होती है। धुंध के समय, बादल के समय, वर्षा के समय अंतर आ जाता है प्राकृतिक ऊर्जा में, तो इसलिए कृत्रिम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। राडार इसका एग्जाम्पल है। राडार में हम कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसीलिए राडार किसी भी समय, दिन में, रात में, अंधेरे में, धुंध में, बारिश में, हर समय काम कर सकता है। दूसरा चरण बताया था ट्रांसमिशन ऑफ EMR इट्स इंटरेक्शन विद एटमोस्फियर। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण तथा वायुमंडल के साथ इसकी अनोन्य क्रिया। ऊर्जा निकल पड़ी स्रोत से, ऊर्जा निकलने के बाद वो कहाँ आएगी? पहले अंतरिक्ष में आएगी, और अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलेगी। जब प्रकाश की गति से चलेगी कुछ भी घटित नहीं होता इसी स्थिति में, परंतु जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, गैसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, उनका रिफ्रेक्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा वायुमंडल में आई है वो अपना जो वेवलेंथ है उसमें बदलाव कर लेती है, या इंटेंसिटी भी उसकी बदल जाती है, उसकी सघनता में भी अंतर आ जाता है, या कई बार ये जो किरणें हैं अपने मूल पथ से भटक जाती है। अच्छा, यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि जब जो जिन किरणों का अवशोषण हो जाएगा या स्कैटर हो जाएगा या वायुमंडल से परावर्तित हो जाएंगी, वहां पर रिमोट सेंसिंग का काम नहीं होगा। रिमोट सेंसिंग का काम कहाँ होगा? रिमोट सेंसिंग का काम केवल वही होगा जो किरणें या जो किरण खंड वायुमंडल को ट्रांसमिट करके, वायुमंडल को पार करके ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएगा। आपका दृश्य प्रकाश है उसमें ज्यादातर हिस्सा ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाता है, तो रिमोट सेंसिंग का वहां काम हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो एक्सरे का प्रदेश है वहां रिमोट सेंसिंग का काम नहीं हुआ, क्योंकि वहां एक्सरेज का ज्यादातर अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ EMR विद ऑब्जेक्ट। EMR का ऑब्जेक्ट के साथ अनोन्य क्रिया या अंतःक्रिया। अब इसमें जो आपकी एनर्जी है अंतरिक्ष को पार करती हुई, वायुमंडल को पार करती हुई, कुछ एनर्जी कुछ EMR ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने में सफल हो जाती है, और जो EMR ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने में सफल होगी, जिसका ट्रांसमिशन होगा, वही एनर्जी रिमोट सेंसिंग के काम आएगी। इसमें जैसे कि दिखाया गया है EMR इन एटमोस्फियर, एब्जॉर्प्शन हो गया, स्कैटरिंग होगी, रिफ्रेक्शन हो गया, तो कोई रिमोट सेंसिंग नहीं होगा। हाँ, ट्रांसमिशन हो गया, यानी वो किरणें अगर पार कर गई वायुमंडल को और ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गई, जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन, उस समय रिमोट सेंसिंग का काम होगा।
और जब वो रिमोट ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे, वहां भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट उसका अवशोषण कर लेगा, या उसका ट्रांसमिशन कर देगा, या उसका रिफ्लेक्शन कर देगा, परावर्तन कर देगा। परावर्तन की स्थिति में ही, केवल परावर्तन की स्थिति में ही रिमोट सेंसिंग का काम होगा। अब एब्जॉर्प्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये भी सारा का सारा डिपेंड करता है वेव की लेंथ पर, और जो मेटीरियल है ऑब्जेक्ट का उस पर निर्भर करता है। आगे है, ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ गई और वो वापस जाने लगी, अगेन इंटरेक्शन ऑफ EMR विद एटमॉस्फेयर, यानी ऑब्जेक्ट से टकराकर, ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर एनर्जी कहां जाएगी पुनः? वायुमंडल में। वायुमंडल में फिर क्या घटना घटेगी? या तो स्कैटरिंग की होगी, या एब्जॉर्प्शन की होगी, या रिफ्रेक्शन की होगी, अवशोषण की होगी, या प्रकीर्ण की होगी, या फिर जो किरणें अपना पथ भटक जाएंगी। ऐसी स्थिति में रिमोट सेंसिंग नहीं हुआ। रिमोट सेंसिंग कब होगा? जब ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर एनर्जी सैटेलाइट के पास जाएगी, या वायुमंडल में स्थित जो आपका प्लेटफार्म है वहां पर पहुंच जाएगी, तब ही आपका जो काम होगा रिमोट सेंसिंग का काम होगा। आगे है, रिकॉर्डिंग ऑफ EMR बाय सेंसर, सेंसर द्वारा EMR का या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अभिलेखन। जब ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर एनर्जी वायुमंडलीय प्लेटफार्म या अंतरिक्षीय प्लेटफार्म के पास पहुंच जाती है, तो ये जो प्लेटफार्म है उसका अभिलेखन कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब एटमोस्फेरिक प्लेटफार्म पर एनर्जी रिकॉर्ड होगी, उस समय आमतौर पर फोटोग्राफ्स की का जन्म होता है, या फोटोग्राफ की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ एनर्जी आमतौर पर फोटोग्राफिकली रिकॉर्ड होती है, फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड होती है। और जो स्पेस में प्लेटफार्म है, जब वहां एनर्जी रिकॉर्ड होती है, वहां एनर्जी डिजिटली रिकॉर्ड होती है, और इससे डिजिटल इमेज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा ऑन GRS। जो आपका आंकड़े हैं उनका ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर उनका संचरण, आंकड़ों का संचरण और ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर उनकी प्राप्ति। संवेदक के पास डेटा रिकॉर्ड हो गया, एनर्जी गई, डेटा रिकॉर्ड हो गया। डेटा रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा? वहां उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको कहां भेजना पड़ेगा? ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर भेजना पड़ेगा। और ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर भेजने के दो तरीके हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दो प्लेटफार्म है आमतौर पर, एक एटमोस्फेरिक प्लेटफार्म है, एक स्पेस प्लेटफार्म है। एटमोस्फेरिक प्लेटफार्म पर कौन कार्य कर रहा है? एरोप्लेन कार्य करें, एयरक्राफ्ट कार्य करें। एयरक्राफ्ट अपना काम पूरा कर लेगा 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में, उसके बाद वो धरती पर आ जाएगा, वहां से डेटा ले लिया जाएगा, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, करेक्शन करने के बाद यूजर के पास अलाइनमेंट में उसको स्टोर कर लिया जाएगा। दूसरा है, कुछ डेटा स्पेस में रिकॉर्ड हुआ है, स्पेस में सैटेलाइट पर रिकॉर्ड हुआ है। सैटेलाइट के साथ तो ये सुविधा नहीं कि सैटेलाइट तीसरे दिन धरती पर उतर आएगा, तो सैटेलाइट से ऐसी स्थिति में जो डेटा को है डिजिटली ट्रांसमिट करना पड़ता है। और डिजिटली ट्रांसमिट करने के तीन तरीके हैं। पहला वे एक है, यदि सैटेलाइट और ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन एक सीध में है तो सीधा ट्रांसमिशन हो जाएगा। यदि ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन बी सैटेलाइट की सीध में है, ए की सीध में नहीं है, तो डेटा पहले ए से बी को ट्रांसमिट होगा, फिर बी से ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर ट्रांसमिट होगा। यदि सैटेलाइट से ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न सैटेलाइट का एक ट्रैकिंग पाथ बना दिया जाता है डेटा ट्रांसमिट करने का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ए से डेटा बी पर गया, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई सैटेलाइट पर गया, और ई सैटेलाइट से ये ट्रांसमिट हुआ ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर। आगे है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जो आपका डेटा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर प्राप्त हो गया, वो रॉ फॉर्मेट में कच्चा है, उसमें कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को पहले यूज करने से पहले, इस डेटा को यूज करने से पहले इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। और इन कमियों के दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है इमेज रेस्टोरेशन और इमेज कोरेक्शन और प्रीप्रोसेसिंग। क्या क्या कोरेक्शन की जाती है इसमें? एक ज्योमेट्रिक कोरेक्शन की जाती है, दूसरी रेडियोमेट्रिक कोरेक्शन की जाती है। ये दो तरह की कोरेक्शन करने के बाद डेटा को स्टैंडर्डाइज इमेज फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज इमेज फॉर्मेट में चेंज करने के पश्चात इसको स्टोरेज मीडियम में डाला जाता है। स्टोरेज मीडियम क्या हो सकता है? मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, CD हो सकती है, DVD हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकती है। और स्टोरेज मीडियम में डालने के बाद इनको लाइब्रेरी में या किसी संस्थान में स्टोर कर दिया जाता है। अब वहां नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा।
जो आपका आंकड़े हैं उनका व्याख्या और विश्लेषण डेटा लाइब्रेरी में है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करनी पड़ेगी। व्याख्या और विश्लेषण की दो तकनीकें हैं, एक विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, दूसरा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन में हम आमतौर पर एरियल फोटोग्राफ का एनालिसिस करते हैं, और उसमें मैंने बताया था पहले जब टॉपिक पढ़ाया गया कि 9 की हैं जिस आधार पर हम उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, आकार, आकृति, आभाएं, प्रतिरूप, गठन, परछाई, अवस्थिति, गमन मार्ग और संबंध। और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हम डेटा को विभिन्न सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर की सहायता से एनालिसिस करते हैं। लास्ट में है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में है कि जो डेटा ने आप जिस डेटा का आपने एनालिसिस कर लिया, जिस डेटा का आपने विश्लेषण कर ली, व्याख्या कर ली, उसको फिर ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव भलाई के कामों में यूज किया जाता है। कुछ मुख्य जो इसके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन हैं, वो हैं कि जो धरती के भौतिक मानचित्र बनाने, मानचित्रण करने में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों का मानचित्र करने में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का मानचित्रण करने में, या जो भी डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं उनका मानचित्रण करने में, चाहे वो मिट्टी से संबंधित समस्या है, चाहे वनों से संबंधित समस्या है, चाहे फसलों में लगी बीमारियों से संबंधित समस्या है, चाहे अन्य मनुष्यों की बीमारी से संबंधित समस्या, उनका मानचित्रण भी हम रिमोट सेंसिंग की सहायता से कर सकते हैं। और विश्लेषण करने के बाद जो विभिन्न प्रकार की भावी योजनाएं हैं उनको भी हम वर्कआउट कर सकते हैं, उनका भी हम प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और विद्यार्थी इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें, बार बार में इसको देखें, और जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे, बार बार में नहीं सुनोगे, बार बार में स्लाइड्स को नहीं देखोगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और स्लाइड्स मैंने ये इसीलिए बनाई हैं ताकि बच्चे स्लाइड देखकर उनके मन में, उनके मानस पटल पर एक चित्र अंकित हो जाए, ये प्रश्न किस प्रकार हम कौन कौन से पॉइंट इसमें कैसे हमने बिल्कुल एक ढंग से पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, तो इन स्लाइड्स को अपने मानस पटल पर अंकित करने का प्रयास करें। और छात्राओं का ये अंतिम वर्ष है, छात्राएं इस वर्ष किसी भी विषय में कोई कमी ना छोड़ें, और मेरी भी ऐसी स्थिति में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ रखे, आपको परिवार को स्वस्थ रखे, और आप अच्छी तरह पढ़ें। एंड थैंक यू।